स्पीडअप करना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे सब लोग? चलो, बहुत सारा समय आप लोगों को वेट करना पड़ा। उजमा गुड इवनिंग, डॉक्टर सस्मिता गुड इवनिंग, मोनिका गुड इवनिंग, वैशाली
उज्मा, जेनिफर, योगेश, अक्षय, शशि, माधुरी, मोनिका, तमन्ना, अश्विनी, यश, अजीत, बिपिन, यश, भूवी, रविंदर, प्रियंका, काव्या, गीतांजलि, मंजीरी, आशीष, सृष्टि, स्नेहल, उपासना, मोनिका, गायत्री, रिया, रविंदर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? ठीक है, चलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनु, योगेश, प्रथा, सृष्टि, कल्याणी, हर्ष, आशीष, शिखा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सब लोगों को। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठीक है। तो चलिए, हमें आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, इसके अंदर हमें पर्टिकुलरली गेट के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो चलिए, गेट के सिलेबस के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। गेट का सिलेबस कैसे होता है और गेट के अंदर हमें डिस्कस करना है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो गेट की एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो लाइफ साइंस का एग्ज़ाम हो, चाहे गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम हो, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे जाते हैं। और वो जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट है, सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी के आंसर ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी के एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और उसमें से देखेंगे, कोशिश करेंगे। और आज की सेशन के अंदर हम हाईलाइट करने वाले ट्रांसपोर्ट को, कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कैसे जो भी है ऑपरेट होता है, इसके बारे में हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलरली पूरी तरीके से इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाए। और मंडे को भी 5 बजे मेरा ही सेशन है, तो आज जो पढ़ेंगे इसके ऊपर के क्वेश्चंस हम मंडे को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन एक एक करके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं है? तो वॉइस तो क्लियर है, देखिए मेरी तरफ से तो वॉइस क्लियर है शायद। हाँ, भारती, PYQ ही करेंगे हम इसके ऊपर, जो गेट लाइफ साइंस के एग्ज़ाम के अंदर जैसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो PYQs कराने ही वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चलो क्लियर है। तो चलो शुरू करते हैं हम टॉपिक को हमारे आज के, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर। ठीक, चलो वॉइस क्लियर है? चलो फिर ठीक है। हाँ, CSIR नेट के लिए भी है, आप गेट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, चाहे आप TIFR के हो तो उसके लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली मेनली हम जो फोकस करेंगे यहाँ पे, मैं आपको जो यहाँ पढ़ाऊँगा वो गेट के लिए पढ़ाऊँगा। गेट लाइफ साइंस और गेट बायोटेक्नोलॉजी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपके ऐसे ऐसे टॉपिक्स को मैं छूने वाला हूँ, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे जो गेट के एग्जाम के अंदर तो 101% पूछे ही जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिए, तो ट्रांसपोर्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से किया जाता है। वैसे आप सब लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है, उस ट्रांसपोर्ट को जनरली हम दो सिंपल क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। और ट्रांसपोर्ट को हम जो क्लासिफाई करते हैं, ट्रांसपोर्ट को क्लासिफाई किया जाता है दो सिंपल क्लासेस के अंदर। एक है
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो हम सेकंड बात कर सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड किया जा सकता है, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव, क्लियर। चलो अब देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करें। क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट? वैसे आप जानते हैं, आप सब लोग जो भी हैं क्लियरली जानते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बताएंगे जरा थोड़ा सा मुझे कि क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच का मेजर डिफरेंस क्या है? हाँ श्वेता, ठीक है, कर लेंगे, फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर ही देंगे। तो आप अभी, आप लोगों को भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो क्या आप लोग मुझे बताएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच का मैक्सिमम डिफरेंस, या हम कह सकते हैं मेजर डिफरेंस क्या है? राइट, गायत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्टिव रिक्वायर एन ATP, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की ज़रूरत है, जो गायत्री कह रहे हैं वो सही है। और एक्टिव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट, ATP रिक्वायर्ड होता है। बिल्कुल 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 सही, बहुत बढ़िया। तमन्ना, प्रियंका, उज्मा, योगेश, ट्रिकी राठौर, दीप्ति, सूरज, प्रथा, चित्रा, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम सिंपली बात ये कह सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे सब्सटेंसेस की मूवमेंट, जहाँ पे सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, सो सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगी, तो सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक जगह मूवमेंट हो रहा है, तो दूसरी जगह मूवमेंट कैसे हो रहा है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम कह सकते हैं, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों के अंदर कहूँ, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट हमेशा हम देखते हैं कि मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से, मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो मूवमेंट जो भी है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम कह सकते हैं कि मूवमेंट, सॉरी, हाई से लो की तरफ नहीं। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मूवमेंट होता है, बिल्कुल सही, आप सब लोग सही कह रहे हैं कि मूवमेंट यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, उस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मूवमेंट होने वाली है, ये मूवमेंट हमने जैसे पहले कहा बिल्कुल वैसे ही है कि मूवमेंट यहाँ हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ होने वाली, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जो मूवमेंट होगी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ होगी, राइट। लो टू हाई कंसंट्रेशन इन एक्टिव एंड हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये मेजर डिफरेंसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में।
सो दीज आर अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर तो काफ़ी सिंपल है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है, और एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है, मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है. तो हम कह सकते हैं कि अलग शब्दों के अंदर कह सकते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल है. पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? तो थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल है. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल. लेकिन हम कह सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करनी है, तो ये थर्मो डायनामिकली नॉन फेवरेबल है. एक है थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा है? थर्मोडाइनमिकली नॉन फेवरेबल. या कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो फ्री एनर्जी चेंज आता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज आता है, ये पॉजिटिव होता है. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, उस पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो फ्री एनर्जी चेंज है, वो फ्री एनर्जी चेंज या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हम कह सकते हैं कि ये निगेटिव के अंदर आता है. और हम सब जानते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम हमेशा ये पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज अगर निगेटिव में आता है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसका फ्री एनर्जी चेंज अगर निगेटिव में निकल के आता है, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली ही होगी. और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसका फ्री एनर्जी चेंज अगर पॉजिटिव में निकल के आता है, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं होती. तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसका फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव में आए, वो स्पॉन्टेनियसली होने वाली है. और ऐसी रिएक्शन जिसका फ्री एनर्जी चेंज हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव में आए, वो थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल नहीं. जिसका फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव में आए, वो थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल है. ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये हम, हाँ अनिश, अनिश बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें यहाँ पे जो भी है, हम कह रहे हैं कि फ्री एनर्जी चेंज क्या है, तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस नहीं है. ठीक है हिमांशु, गुड इवनिंग. ठीक है, क्लियर सबके लिए? चलो अब देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ये डिफरेंसेस हमने जो भी है डिस्कस किए. अब पैसिव ट्रांसपोर्ट तो थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल है, तो वो तो हो जाएगा, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल नहीं होता. लेकिन फिर भी हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट को थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल बनाना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल बनाना पड़ता है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अगर थर्मोडाइनमिकली हमें फेवरेबल बनाना है, तो यहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. देयर इज एन एनर्जी रिक्वायरमेंट इज देयर. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर किसी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. एनर्जी की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन हाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की ज़रूरत है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, सॉरी, एनर्जी की ज़रूरत है. पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम कह सकते हैं एनर्जी किस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस. एनर्जी जो इस्तेमाल की जा सकती है, वो एटीपी हाइड्रोलिसिस के फॉर्म के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है. एनर्जी लाइट के फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है. एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्लो के फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है. एटीपी हो, लाइट हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, या हो सके तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को भी हम एनर्जी के सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. सो एनर्जी रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस, लाइट, इलेक्ट्रॉन फ्लो और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. तो ये एनर्जी जो भी है के कई सारे अल्टरनेटिव सोर्सेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं. बिल्कुल, योगेश ने बिल्कुल सही कहा कि हमें रिएक्शन को कपल्ड करना पड़ेगा. अगर
एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जनरली जो भी है वो फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव में आता है, तो ये थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल नहीं है। लेकिन हमें कपल्ड रिएक्शन करानी पड़ेगी, और कपल्ड रिएक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो चाहे फिर एनर्जी एटीपी हाइड्रोलिसिस के फॉर्म के अंदर हो, लाइट के फॉर्म के अंदर हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो के फॉर्म के अंदर हो, या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के फॉर्म के अंदर हो, इन कई सारे फॉर्म्स के अंदर हम एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे योगेश ने कहा कि कपल्ड रिएक्शन करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल सही। जैसे कि हम पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ते हैं कि जो मेन रिएक्शन है, मेन रिएक्शन जो भी होगी, इस मेन रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज निकल के आता है, वो फ्री एनर्जी चेंज निकल के आता है पॉजिटिव में। तो मेन रिएक्शन है, उस मेन रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज कैसे निकल के आता है? पॉजिटिव में निकल के आता है। लेकिन हमें ये रिएक्शन तो फिर कभी भी थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर हमें थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल कराना है तो कपल्ड रिएक्शन कराना पड़ेगा, और कपल्ड रिएक्शन के अंदर हमें फ्री एनर्जी कपल्ड रिएक्शन करानी पड़ेगी। अब कपल्ड रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि सपोज एक हम इस्तेमाल करते हैं कि एटीपी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ गई, हमने एटीपी का इस्तेमाल कर लिया हाइड्रोलिसिस, और एटीपी हाइड्रोलिसिस करने के बाद में ये जो एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ उसका अगर हम बात करते हैं कि फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव के अंदर आता है, चाहे एटीपी का इस्तेमाल कर दिया, चाहे लाइट इस्तेमाल कर दी, चाहे इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस्तेमाल कर दिया, या चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ही का क्यों ना हमें इस्तेमाल करना पड़े, अगर ये हमने कर दिया फिर उसके बाद में भी, तो फिर क्या रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? तो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि अब हमें ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज अगर निगेटिव में आ जाए, अगर ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज किस में आ जाए? निगेटिव में आ जाए। तो ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज अगर निगेटिव में आता है तो फिर हम 101% कह सकते हैं कि ये रिएक्शंस क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि अब ये रिएक्शन फेवरेबल डायरेक्शन के अंदर हो सकती है। मधु गुड इवनिंग, सुलगना गुड इवनिंग, शेख नाजीम गुड इवनिंग, ज्योति गुप्ता गुड इवनिंग, थर्मो ध्रुवी पटेल कह रहे हैं थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल मतलब ऐसी रिएक्शन जो कि फेवरेबल है, अपने आप हो सकती है, जिसे बाहर से किसी हमें एनर्जी वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़े, वो थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल कहेंगे हम, ठीक है? तो ये फेवरेबल डायरेक्शन के अंदर हो रही है, या जिसका ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव के अंदर आ जाए ध्रुवी, आप उसे कह सकते हो थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल है। ठीक है, चलो समझ में आया। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक? हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के डिफरेंसेस को डिस्कस किया। पहला हम ट्रांसपोर्ट से शुरू किए हैं, और ट्रांसपोर्ट के अंदर भी एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले हमने क्या कहा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होती है। मूवमेंट जो होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर वो लो कंसंट्रेशन से हाई होती है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मूवमेंट कैसी होगी? हाई से लो होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी नहीं लगेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी जरूर लगेगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम कह सकते हैं वो थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल नहीं है, ठीक है? ठीक है, वॉइस तो मेरा लाउड ही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शायद आपके मोबाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। चलो ठीक है, मेरे पास में मोबाइल चल रहा है, तो मोबाइल के अंदर तो बेटा देखो वॉइस तो क्लियर ही है, ठीक है? तो चलिए, ये थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल है, दूसरा थर्मोडाइनमिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट नॉन फेवरेबल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है हमें, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, नो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेड। हाँ रविंदर रुकिए, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, बिल्कुल ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस पता चले। अगर आपको ये डिफरेंसेस अब क्लियर है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के डिफरेंसेस अगर क्लियर हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? तो अब हम डिस्कस करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में।
अब हम डिस्कस कर रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हम अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि इसको भी हम जनरली दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अगेन जनरली क्लासिफाइड इन टू अ टू डिफरेंट टाइप्स। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम जनरली जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक तो हो गया सिंपल, एक तो हो गया हमारा सिंपल डिफ्यूजन, लिपिड बायलेयर के द्वारा जो होता है उसे सिंपल डिफ्यूजन कहा जाए। और दूसरा जो होता है वो होता है फैसिलिटेड, दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। द वन इज सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड वन इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। वन इज सिंपल डिफ्यूजन एंड सेकंड वन इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के ही दोनों टाइप हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस की जो मूवमेंट होने वाली है, जो सब्सटेंस की मूवमेंट होगी वो सब्सटेंस की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी। तो सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट होगी वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी, तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अब देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही दो क्लासेस हैं, वन इज सिंपल डिफ्यूजन एंड सेकंड वन इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिंपल डिफ्यूजन होता किसका है, सिंपल डिफ्यूजन जो भी होगा वो किन मॉलिक्यूल्स का सिंपल डिफ्यूजन होगा। तो सिंपल डिफ्यूजन के अंदर हम बात करते हैं कि जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल है, चाहे गैसियस मॉलिक्यूल है, चाहे गैस मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल है, तो इन गैसेस मॉलिक्यूल्स का, गैस का जो भी है मूवमेंट, हो मूवमेंट सिंपल डिफ्यूजन ही होगा। गैसेस मॉलिक्यूल के साथ साथ हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलार मॉलिक्यूल, नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स के साथ साथ हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जो पोलार होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो भी मूवमेंट है वो भी सिंपल डिफ्यूजन से ही होगी। फैसिलिटेड डिफ्यूजन से किसकी मूवमेंट होती है, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन से एक तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि पोलार हैं और लार्ज साइज के हैं, पोलार और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स, या दूसरा हम बात कर सकते हैं चार्ज आयन्स के बारे में, दूसरा चार्ज आयन्स। पोलार और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन आएगा, पोलार और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे ग्लूकोज आ गया, अमाइनो एसिड आ गया, ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये पोलार और लार्ज साइज के अंदर आ गए। तो चार्ज आयन्स के अंदर चाहे फिर वो सोडियम का आयन हो, चाहे वो पोटेशियम आयन हो, या हम कह सकते चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो हम कह सकेगी अब हमारा कोई और भी आयन के बारे में बात करें, चाहे वो फॉस्फोरस हो, ये कोई भी आयन हो सकते हैं, चाहे क्लोरीन हो, ये कई सारे चार्ज आयन्स हैं। सो दीज आर चार्ज आयन्स, ठीक है। तो इनकी मूवमेंट जो भी होगी वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन से होगी। गैसेस मॉलिक्यूल, नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स और पोलार स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल तो सिंपल डिफ्यूजन से मूवमेंट करेंगे। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर एक तो पोलार लार्ज साइज और चार्ज आयंस की मूवमेंट होगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को मुझे बतानी है, सिंपल डिफ्यूजन ये काफी स्लो प्रोसेस है। सिंपल डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, काफी स्लो प्रोसेस है। कितना है, तो सिंपल स्लो प्रोसेस है, इनकी जो ट्रांसपोर्ट रेट है इनकी जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो 10^2 0 से 10^2 2 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड है। तो जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो ट्रांसपोर्ट रेट कितनी है, तो ट्रांसपोर्ट रेट 10^0 से 10^2 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड है। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो 10^0 से 10^2 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड की मूवमेंट जो भी हम कहते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन देखा जाए तो काफी ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है।
वैसे ही अगर हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में बात करें तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज एन फास्ट प्रोसेस, ये जो भी है एक फास्ट प्रोसेस है। और इस फास्ट प्रोसेस के अंदर हम कह सकते हैं कि इनके जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो ट्रांसपोर्ट रेट सिंपल डिफ्यूजन से काफ़ी ज़्यादा है, और इनकी ट्रांसपोर्ट रेट लगभग मिनिमम 10^4 से 10^7 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड है, इतनी ट्रांसपोर्ट रेट फास्टर है। ठीक है, हाँ, ज्योति बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोटाइड एडिनिन गोनीन ही होंगे। फिरदोस गुड इवनिंग, ठीक है चलो, हाँ बिल्कुल सही। तो हम जनरली कह सकते हैं 10^4 से अक्षय, 10^4 से 10^7 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड कह सकते हैं। ठीक है चलो, रविंदर बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, अपर्णा मोनिका अक्षय, चलो आगे बढ़े। तो ये हो गया, सिंपल डिफ्यूजन को हमने डिस्कस कर लिया, और सिंपल डिफ्यूजन के साथ साथ फैसिलिटेड डिफ्यूजन को भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा सिंपल डिफ्यूजन को हम साइड में रखते हैं, और सिंपल डिफ्यूजन को साइड में रख के हम थोड़ा सा अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। सपोज ये सिंपल डिफ्यूजन तो हमने डिस्कस कर लिया, सिंपल डिफ्यूजन को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखें। तो ये देखिए हमारे पास में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, तो ये हमने ड्रॉ किया है मेम्ब्रेन, सो दिस वाज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये देखिए ये जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास में है, तो हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। तो ये लिपिड की बाइलेयर है। ठीक है, ये पोलार हेड हम जानते हैं ये बाहर की तरफ होते हैं, तो ये जो नॉन पोलार टेल हैं ये नॉन पोलार टेल अंदर की तरफ होती है। तो पोलार हेड इज प्रेजेंट आउटसाइड, और ये जो नॉन पोलार टेल हैं ये नॉन पोलार टेल या हाइड्रोफोबिक जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और ये लिपिड की बाइलेयर आप इसे देख रहे हो। ठीक, बिल्कुल ठीक है चलो। समझ में आया, अब देखो, चलो ठीक है, अब देखो यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं चाहे गैसेस मॉलिक्यूल की, तो गैसेस मॉलिक्यूल इतने छोटे छोटे होते हैं और स्मॉल स्मॉल होते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल इस लिपिड बाइलेयर को आराम से क्रॉस कर सकते हैं, चाहे फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे फिर वो ऑक्सीजन हो, चाहे फिर वो नाइट्रोजन गैस हो। गैसेस मॉलिक्यूल्स की डायमीटर इतनी छोटी होती है कि वो इस लिपिड बाइलेयर को आराम से क्रॉस कर सकते हैं, और लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके आराम से अंदर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो गैसेस मॉलिक्यूल के बारे में हुआ। गैसेस मॉलिक्यूल के साथ साथ अब हम बात कर सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलार है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलार का मतलब होता है जो कि नॉन पोलार, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक है। नॉन पोलार हो या हाइड्रोफोबिक हो तो वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आराम से स्पैन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड बाइलेयर से, और लिपिड बाइलेयर के ये जो भी हैं यहाँ पे फैटी एसिड हैं, तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये नॉन पोलार, ये क्या है, तो नॉन पोलार हाइड्रोफोबिक, दीज आर नॉन पोलार हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलार कहें या दूसरा ही वर्ड इस्तेमाल करें, हाइड्रोफोबिक टेल्स है फैटी एसिड की, तो दीज आर फैटी एसिड टेल्स, दीज आर नेचर इज नॉन पोलार और हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलार ये टेल्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये नॉन पोलार है या हाइड्रोफोबिक अमाइनो, हाइड्रोफोबिक अगर कोई मॉलिक्यूल है तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि
जो लिपिड बायलेयर है उस लिपिड बायलेयर का कोर ही कैसा है, हम कह सकते हैं नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ज्योति हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको कुछ बताना है तो बता दिया बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, लिपिड बायलेयर से बनी हुई है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब ज्योति वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से डरेगा, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर के अंदर डिजोल्व होगा। रश्मि आपके लिए आ रहे हैं अभी, ठीक है रश्मि, आपका जो सवाल है कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों डिजोल्व नहीं हो सकते, उसके ऊपर अभी आ रहे हैं हम। ठीक है चलो, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स हो गए नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन आ सकता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टीरॉयडल हार्मोन्स आ सकते हैं, स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो भी हैं क्रॉस कर सकते हैं। स्टीरॉयडल हार्मोन्स के अंदर कौन से आते हैं, तो टेस्टिस्टिरोन हो गया, तो टेस्टिस्टिरोन है, चाहे फिर अल्डोस्टिरोन है, टेस्टिस्टिरोन है, अल्डोस्टिरोन है ये, या हम बात करें कि प्रोजेस्टिरोन है, ये कई सारे क्या है, तो स्टीरॉयडल हार्मोन्स है। तो ये स्टीरॉयडल हार्मोन्स आराम से अंदर की तरफ जो भी है क्रॉस कर सकते हैं। इन स्टीरॉयडल हार्मोन्स के साथ साथ हम बात कर सकते हैं कि जो पोलार मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन पोलार के साथ साथ कैसे हैं, स्मॉल साइज के हैं, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर सकते हैं। पोलार है लेकिन कैसे, स्मॉल साइज के हैं, तो भी वो भी लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर सकते हैं, ये लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गैस, उसके बाद में नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसके बाद पोलर और स्मॉल साइज के। पोलर और स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स का हमारा मतलब यही है कि वो छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर हो जाए, जैसे कि यूरिया हो जाए, या चाहे फिर इथेनॉल हो जाए, तो ये जो भी मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल्स पोलर और स्मॉल साइज के हैं। तो ये आराम से जो भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ जाते हैं। बिल्कुल मोनिका ने सही कहा, रश्मि भी सही कह रहे, इडियासोन भी एक स्टेरॉयडल हार्मोन ही है जो इंसेक्ट के अंदर मोल्टिंग के अंदर काम करता है। ठीक है, अब जो भी है सवाल के ऊपर आते हैं। रश्मि कुलकर्णी का सवाल था कि सर पोलार और पोलार मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं, पोलार स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स वाटर यूरिया इथेनॉल ये अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन देखिए कि पोलार मॉलिक्यूल है और पोलार मॉलिक्यूल ऐसा वैसा नहीं है, तो पोलार मॉलिक्यूल लार्ज साइज का है, जैसे कि कोई अमाइनो एसिड हो गया, कोई न्यूक्लियोटाइड हो गया, या चाहे फिर हम बात करें कि कोई बड़ा और भी कोई पोलार मॉलिक्यूल है, तो ऐसे मॉलिक्यूल इस लिपिड बायलेयर को हमारी क्रॉस नहीं कर सकते। तो पोलार और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो पोलार और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखिए कि यहाँ पे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से किसी मॉलिक्यूल को मूवमेंट करना है तो सबसे पहले उसको किसे क्रॉस करना पड़ेगा, ये जो हाइड्रोफोबिक कोर है इस हाइड्रोफोबिक कोर को स्पैन करना होगा। और वी नो दैट कि लाइक डिजोल्व इन लाइक मतलब पोलार हाइड्रोफोबिक अगर इस कोर को या नॉन पोलार कोर को अगर हमें स्पैन करना है तो उसके लिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही होंगे, इसलिए नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है जो आराम से स्पैन करते हैं, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि पोलर हैं वो आराम से स्पैन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक कोर है और हाइड्रोफोबिक कोर को पोलर मॉलिक्यूल को स्पैन करने की एबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। तो पोलर लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हो या फिर हम कह सकते हैं कि चार्ज आयंस हो, पोलर लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हो या चार्ज आयंस हो, इनकी जो भी मूवमेंट है इनकी मूवमेंट रुक जाएगी, इनकी मूवमेंट इस लिपिड बायलेयर को ये क्रॉस करके नहीं जा सकते। तो पोलार और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स भी लिपिड बायलेयर को क्रॉस करके नहीं जा रहे, चार्ज आयंस भी लिपिड बायलेयर को क्रॉस करके नहीं जा रहे, तो चाहे पोलार लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हो या चार्ज आयंस हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा पा रहे क्या, तो नहीं जा पा रहे। ठीक है, समझ में आया, सबके लिए क्लियर है यहां तक? क्लियर?
अगर क्लियर है तो बताइए। चलो, सृष्टि सृष्टि को क्लियर है, बाकी लोग? गायत्री, दीप्ति, योगेश, अर्चना, ज्योति, अश्विनी, प्राजक्ता, प्रथा, माधुरी, हंसा, मोनिका, जेनिफर, आरजी, शुभदर्शनी, तमन्ना, अनीश, तरेश, अनीता, ट्रकी, हिमांशु, रश्मि, अजीत, सोनाली, अपर्णा, कोकन, भारती। चलो, बहुत बढ़िया। यूसरा, अगोश, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब देखो, पोलार और जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, उन पोलार और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर पा रहे क्या? नहीं। क्यों क्रॉस नहीं कर पा रहे पोलार और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स? इसलिए नहीं क्रॉस कर पा रहे क्योंकि हाइड्रोफोबिक कोर है, चार्ज आयन्स भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो फिर ये भी क्यों क्रॉस नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये हम कह सकते हैं पोलार और चार्ज आयन्स है। अगर पोलार और चार्ज आयन्स है तो ये भी लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो अब लिपिड बाइलेयर को अगर इनके क्रॉस करना है तो कैसे करेंगे? अगर चार्ज पोलार और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स बाहर ज्यादा हैं और वो अगर बाहर की तरफ ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन उनकी बाहर है, ठीक है, और अंदर की तरफ इनकी कंसंट्रेशन लो है, ये बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ पा रहे, लेकिन अगर इनको अंदर लाना है हमें, लिपिड बायलेयर को ये क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो इनको अगर बाहर से हमें अंदर की तरफ लाना है तो फिर उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? हम लिपिड बायलेयर के द्वारा तो इनको ला नहीं सकते हैं, लेकिन हम इनको ला सकेंगे, तभी ला सकेंगे इनको जब हमारे पास में क्या होगा, तो जब हमारे पास में इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टर होगा, जब हमारे पास में क्या हो जाएगा, देर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रांसपोर्टर हो तो ही काम बन सकता है। यहां पे भी चार्ज आयंस को भी अगर हमें एंटर करवाना है तो भी हमें क्या जरूरी है, तो ट्रांसपोर्टर की जरूरत है, एक किसी प्रोटीन की जरूरत हमें यहां पे पड़ेगी। तो यहां पे हमें क्या जरूरत पड़ेगी? तो ट्रांसपोर्टर्स की पड़ेगी। अब देखिए, पोलार और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स को अगर अंदर की तरफ लाना है तो बाहर की तरफ अगर इनकी कंसंट्रेशन हाई है और अंदर की तरफ इनकी कंसंट्रेशन अगर लो है, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन हाई है, अंदर की तरफ कंसंट्रेशन जो भी है वो काफ़ी लो है, तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हुई। चार्ज आयन्स है, जैसे कि कोई सोडियम का आयन है, तो सोडियम की कंसंट्रेशन जैसे कि बाहर है, तो सोडियम अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ आ रहा है, तो सोडियम की भी मूवमेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ही की जा रही है। तो हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जो मूवमेंट की जा रही है वो कहां पे की जा रही है? लो कंसंट्रेशन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ होती है तो उसे कौन सा ट्रांसपोर्ट कहा जाता है? जवाब दीजिए। अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट होगी तो कौन सा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट हो गया तो उसे कौन सा ट्रांसपोर्ट कहेंगे? तो ये इन्होंने एक ट्रांसपोर्टर इस्तेमाल कर दिया, आयन को कह दिया हमने, ये जो इस्तेमाल किया इन्होंने कह दिया आयन चैनल। तो ये जो भी है इसे हमने पोलार और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स के लिए जो है उसे हमने कह दिया ट्रांसपोर्टर। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है प्रोटीन के द्वारा, मतलब किसी चैनल के द्वारा या किसी ट्रांसपोर्टर के द्वारा। बिल्कुल सही, आप सभी लोग सही जवाब दे रहे। गीतांजलि, अनीता, आयशा, मोनिका, अजीत, सोनाली, प्रज्ञा, मधुरा,
ब्रह्मा, सुलगना, पूजा, एकपर्णा, पी स्टडी, अपर्णा, मंजरी, वनीता। चलो ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्टर है या आयन चैनल है, दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कैसा, ये दोनों फिर एग्जाम्पल किसके हो गए? तो हम ये कह सकते हैं ये एग्जाम्पल हो गए फैसिलिटेड डिफ्यूजन के। ये एग्जाम्पल किसके हो गए? तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि मूवमेंट तो हो रही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है हाई कंसेंट्रेशन से, जो भी है लो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ही मूवमेंट हो रही है, लेकिन किससे हो रही है? तो सर्टन प्रोटीन से मेडिटेड हो रहा है, इसीलिए से फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहा जाएगा। और ये जो है इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। इसे हम क्या कहेंगे? तो सिंपल डिफ्यूजन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल डिफ्यूजन। तो ये हो गया फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, समझ में आया सबके? हाँ चलो, अब समझ में आया है। तो हम थोड़ा सा, अब हमने ये तो पढ़ लिया, सिंपल डिफ्यूजन तो पढ़ लिया, थोड़ा सा अब हम बात करते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है अभी तक? तो अभी तक हमने सिंपल से डिस्कस कर लिया हमारे सिंपल डिफ्यूजन को। अब थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन को। थोड़ा सा वैसे फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में हम इंट्रोडक्शन अभी पढ़ ही चुके हैं। सो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं जिनका फैसिलिटेड डिफ्यूजन से मूवमेंट हो सकता है। एक तो हो गए पोलार मॉलिक्यूल्स, और पोलार के साथ साथ लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स। दूसरे हो गए चार्ज आयंस। एक तो हो गए पोलार और लार्ज साइज, और दूसरे जो भी हैं वो चार्ज आयंस हैं। इनकी जो भी है मूवमेंट फैसिलिटेड डिफ्यूजन से होगी। एक तो हो गए पोलार लार्ज और दूसरे हो गए चार्ज आयंस। अब देखिए, पोलार और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स के लिए, चाहे फिर वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो, चाहे फिर वो अमाइनो एसिड्स हो, चाहे फिर वो न्यूक्लियोटाइड्स हो, फिर चार्ज आयंस के बारे में बात करें, चाहे फिर वो सोडियम आयन हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे क्लोरीन आयन हो, तो ये क्या हो गए? तो ये चार्ज आयंस हो गए। ठीक है, तो पोलार लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स, और उसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं कि चार्ज आयंस के बारे में जो भी है डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो पोलार और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो भी मूवमेंट हो रही किसके द्वारा हो रही है? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा हो रही है। किनके द्वारा? ट्रांसपोर्टर्स। चार्ज आयंस की मूवमेंट किसके द्वारा हो रही है? तो चाइनल्स, क्योंकि आयंस के लिए जो भी मूवमेंट के लिए क्या लग रहा है, तो चाइनल्स में चाइनल्स के बारे में जरूरत लग रही है। ठीक है, क्लियर। अब ये हमने इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हमें थोड़ा सा इन ट्रांसपोर्टर्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे लिए एक तो ये इम्पोर्टेंटली डिस्कस अब हमें करना है आयन चैनल्स, और आयन चैनल्स के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स। तो कुछ आयन चैनल्स के एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते हैं और ट्रांसपोर्टर्स के भी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो पढ़े। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टर, और ट्रांसपोर्टर्स के अंदर भी जो सबसे हाईली स्टडीड एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स।
ट्रांसपोर्टर्स, और ट्रांसपोर्टर्स के अंदर भी हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो बात करने वाले हैं ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर या जिन्हें ही ग्लू ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, ये सबसे हाईली स्टडीड होते हैं, ये सबसे हाईली स्टडीड है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वी स्टार्ट विथ आयन चैनल्स को थोड़ा सा हम साइड में रखेंगे, वापस आएंगे आयन चैनल्स के ऊपर, लेकिन फिलहाल ट्रांसपोर्टर्स के बारे में बात करते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, दीज आर मल्टीपल, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, दीज आर मल्टीपल स्पैनिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन, दीज आर मल्टीपल स्पैनिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये ऐसे प्रोटीन हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम स्पैन करते हैं, ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम स्पैन करते हैं ट्रांसपोर्ट, या हम कह सकते हैं कि ये एक से ज़्यादा बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। ट्रांसपोर्टर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। ट्रांसपोर्टर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि ट्रांसपोर्टर्स आर सबस्ट्रेट, ट्रांसपोर्टर्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, दीज आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंड दीज आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंड हम कह सकते हैं स्टेरियो स्टेरियो स्पेसिफिक। ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होते हैं और स्टेरियो स्पेसिफिक। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक का हमारा कहना क्या है कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर से कभी भी मैनोज नहीं मूव होगा, या मैनोज का ट्रांसपोर्टर है तो वहां से ग्लूकोज नहीं मूव होगा। ठीक है, और स्टेरियो स्पेसिफिक मतलब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है तो वो हो सकता है डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही मूव हो, एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वहां पे नहीं हो सकता। बिल्कुल, सेवाश्री दास कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन चैनल और कैरियर प्रोटीन का क्या है, तो देखो बेटा डिफरेंस तो सिंपल यही है कि एक जगह से जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है चार्ज आयन्स की, वो आयन चैनल है, और जहाँ से मूवमेंट हो रही है पोलर और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स की, वो ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये यही मेन डिफरेंस है। ठीक है, रविंदर का भी मुझे लगता है कि शायद जब क्वेश्चन यही था कि ट्रांसपोर्टर और आयन चैनल के बीच का डिफरेंस क्या है, तो यही डिफरेंस है। ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाँ तरीका यही कहा हमने स्टीरियो स्पेसिफिक के बारे में, यही तो कहा। स्टेरियो स्पेसिफिक मतलब ग्लूकोज के दो फॉर्म्स होते हैं, एक एल फॉर्म होता है डी फॉर्म होता है, लेकिन एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कभी भी डी फॉर्म वाले ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर से मूवमेंट नहीं कर पाएगी। तो इसे कह सकते हैं, तरीका का जो सवाल है कि ये स्टेरियो स्पेसिफिसिटी के बारे में सर क्या कह रहे हैं, तो स्टेरियो स्पेसिफिक का मतलब यही है। ठीक है, तो शायद तरीका का भी सवाल क्लियर हुआ होगा, सेवाश्री का भी सवाल क्लियर हुआ होगा, और रविंद्र का भी जो सवाल है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तीनों को समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये मल्टीपल स्पैनिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, और ये ट्रांसपोर्टर जो होते हैं ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात ट्रांसपोर्टर्स के बारे में ये है कि ट्रांसपोर्टर्स हैविंग टू कन्फर्मेशंस, ट्रांसपोर्टर्स के पास में दो अलग अलग कन्फर्मेशंस, हैविंग टू अल्टरनेटिव कन्फर्मेशंस, उनके पास में दो अल्टरनेटिव कन्फर्मेशंस होती हैं। सो ट्रांसपोर्टर्स हैविंग टू अल्टरनेटिव कन्फर्मेशंस, अल्टरनेटिव कन्फर्मेशंस के अंदर हम कह सकते हैं एक तो E1 और E2। तो ट्रांसपोर्टर्स हैविंग टू अल्टरनेटिव कन्फर्मेशंस, वन इज E1, सेकेंड इज E2। ठीक है, चलो तो एक हो गया E1, एक हो गया E2। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका सवाल यह होगा कि ये दो अल्टरनेटिव कन्फर्मेशंस हैं मतलब क्या है? देखिए, दो अल्टरनेटिव कन्फर्मेशंस का मतलब क्या है, तो इसे समझाने की अगर हम कोशिश करें तो ये बहुत सिंपल से, जैसे कि समझाने के लिए आपको, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ग्लूकोज की अमाउंट या ग्लूकोज की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है।
अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है तो उस समय पे ग्लूकोज अपनी हाई कंसंट्रेशन से अगर ग्लूकोज अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है तो हम कह सकेंगे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पे समझाने की बात है, सपोज यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है, तो सपोज दिस वॉज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है, और ये ग्लू ट्रांसपोर्टर की एक कन्फर्मेशन है, इसे हम कहते हैं इवन कन्फर्मेशन। आपको समझाने के लिए एक मैंने ड्रॉ किया है। वैसे ग्लू ट्रांसपोर्टर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कई सारी कंट्रोवर्सीज उसके अंदर है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम जो भी है ड्रॉ किया है। ठीक है, तो देखो इवन कन्फर्मेशन है, और इस इवन कन्फर्मेशन के अंदर हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज की अमाउंट कहाँ पे ज़्यादा है, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज़्यादा है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अगर बाहर की तरफ ज़्यादा है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, तो ग्लूकोज की अमाउंट अगर बाहर की तरफ ज़्यादा है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं, कहाँ पे, तो इस इवन कन्फर्मेशन के अंदर बाइंड हो रहे हैं। जैसे ये इवन कन्फर्मेशन के अंदर बाइंड होंगे तो इवन कन्फर्मेशन के अंदर बाइंड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, तो कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि देर इज एन कन्फर्मेशनल चेंज, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा, तो कन्फर्मेशनल चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा। सो हेयर देर इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ कन्फर्मेशनल चेंज, तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज ऑब्जर्व होगा। अगर कन्फर्मेशनल चेंज ऑब्जर्व हुआ तो कन्फर्मेशनल चेंज ऑब्जर्व होने की वजह से ये कन्फर्मेशनल चेंज ऑब्जर्व हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज ऑब्जर्व होने की वजह से ये कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, और कन्फर्मेशन इस तरीके से चेंज होगा कि हो सकता है कि ये ट्रांसपोर्टर जो पहले बाहर की तरफ ओपन अप था ये अब अंदर की तरफ ओपन अप हो जाए। सो दिस कन्फर्मेशन चेंज, और ये कन्फर्मेशन चेंज होके E1 से ये कहाँ की तरफ चले जाएंगे, E2 है उस E2 कन्फर्मेशन के अंदर चले जाएंगे। E2 कन्फर्मेशन के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल उन्होंने बाहर से पकड़ा है, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और ग्लूकोज को कहाँ छोड़ना पड़ेगा, तो ग्लूकोज को नीचे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो भी मूवमेंट हुई है हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बाहर की तरफ हाई है अंदर की तरफ लो है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो ये जो भी मूवमेंट हुई ये हाई से लो मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं ट्रांसपोर्टर के द्वारा हुआ, तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हुआ। अगेन एक बार कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को छोड़ा तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को छोड़ने की वजह से अब ये कन्फर्मेशनल चेंज हो गया, और अगर कन्फर्मेशनल चेंज हो गया तो कन्फर्मेशनल चेंज एक बार होने से वापिस से किस कन्फर्मेशन के अंदर आ गए, इवन इवन कन्फर्मेशन के अंदर अब दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल वापिस से बाइंड होगा, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर बाइंड हुआ तो ये वापस से E2 फिर ग्लूकोज नीचे छोड़ा जाएगा, तो इस तरीके से ग्लूकोज की मूवमेंट कराई जाएगा। बिल्कुल गायत्री डिस्कस करेंगे बेटा, रुको उसके लिए पहले तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आपका जो सवाल है वो आगे मैं लूंगा, ठीक है, अभी इसके बारे में तो डिस्कस कर ले, ठीक है, क्लियर है सभी को ट्रांसपोर्टर्स के बारे में, कि ट्रांसपोर्टर का मैकेनिज्म एक्शन समझ में आया सबको, चलो ठीक है। गायत्री का सवाल तब तक मैं ले लेता हूँ। गायत्री का सवाल है कि सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है और सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है। देखो गायत्री, सेमी परमेबल का मतलब ये है कि वाटर है आपके पास में, वाटर एक पोलार मॉलिक्यूल है, बाहर वाटर के मॉलिक्यूल आपके पास में 100 है, ये वाटर बाहर से अंदर की तरफ आएगा, लेकिन कब तक आएगा, जब तक बाहर 50 ना हो जाए, अंदर 50% ना हो जाए, जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर ज़्यादा होगा अंदर आएगा, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम हुआ तो फिर बाहर से अंदर की तरफ नहीं आएगा, इसे कहेंगे सेमी परमेबल हुआ। अब आपका कहना है सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है, गायत्री का कह रहे हैं सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे ये मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम भी है और इस मेम्ब्रेन के बाहर पोटेशियम भी है, लेकिन इस मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोडियम का चैनल है, तो सिर्फ सोडियम अंदर की तरफ आ पा रहा है, पोटेशियम का चैनल ही नहीं है, तो पोटेशियम अंदर की तरफ नहीं आ रहा है, तो इसे कहेंगे हम सेलेक्टिवली परमेबल।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, कुछ मॉलिक्यूल के सेलेक्टिवली परमेबल भी है। हाँ, शिवकांत आपका जो सवाल है हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, अभी तो सिर्फ हम ट्रांसपोर्टर के बारे में पढ़ रहे बेटा। ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स खत्म होंगे तो चैनल्स के ऊपर ही आएंगे शिवकांत। ठीक है, होपफुली गायत्री को समझ में आया होगा। गायत्री आपको सवाल का जवाब मिल गया आपके। हाँ, मंजरी सेल बायोलॉजी कहीं पे भी आती है बेटा। कौन सी ऐसी एग्जाम है जिसके अंदर सेल बायोलॉजी बायोलॉजिकल साइंसेस के एग्जाम के अंदर पूछी नहीं जाती, चाहे फिर वो डीबीटी का एग्जाम हो, आईसीएमआर हो, बार्क हो, सीएसआईआर हो, गेट हो, आईआईटी जाम हो, हर एग्जाम के लिए सेल बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सेल बायोलॉजी तो हर एग्जाम के सिलेबस के अंदर है ही है। गायत्री क्लियर है आपको बेटा? क्वेश्चन आपको जो जो आपको एक्सप्लेन किया है कि सेलेक्टिवली परमेबल और सेमी परमेबल का मतलब क्या है, समझ में आया? चलो ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये कुछ इस तरीके से कन्फर्मेशनल चेंजेस उनके अंदर लाए जाते हैं। ठीक है, चलो कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद अब हम आगे पढ़ते हैं, या ट्रांसपोर्टर्स को पढ़ने के बाद अब हम कुछ ट्रांसपोर्टर्स के एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टर्स के एग्जाम्पल के अंदर हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जिसके बारे में अब आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, चाहे भी कोई भी एग्जाम हो उसके बारे में क्वेश्चंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलो ठीक है, चेतन का सवाल क्या है, बार्क एग्जाम के पैटर्न बताइए शॉर्ट में प्लीज। बार्क एग्जाम का पैटर्न हर बार चेंज होता है चेतन, तो कोई पैटर्न नहीं, कोई फिक्स नहीं है जो आपको बताया जाए। ठीक है, तो चलो हम ट्रांसपोर्टर के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और अब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के आइसोफॉर्म्स के बारे में। तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स आइसोफॉर्म्स, तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर, या हम उसे कह सकते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के जो भी है आइसोफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के कई सारे आइसोफॉर्म्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो ग्लूट वन ट्रांसपोर्टर है, फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर है, ग्लूट थ्री ट्रांसपोर्टर है, ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर है, ग्लूट फाइव है। सो दीज आर डिफरेंट आइसोफॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये क्या है, तो डिफरेंट आइसोफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, सो दीज आर इन डिफरेंट आइसोफॉर्म्स ऑफ ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। ये जो ग्लूट वन है, इस ग्लूट वन की लोकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ कि ग्लूट वन का लोकेशन क्या है, तो ग्लूट वन की लोकेशन है, ये जनरली हम बात कर सकते हैं कि आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। ग्लूट टू लीवर सेल्स हैं, उन लीवर सेल्स के ऊपर होता है। ग्लूट थ्री जो है ये ब्रेन की सेल्स के ऊपर होता है। ग्लूट फोर मसल्स के ऊपर होता है, मसल्स चाहे फिर वो स्केलेटल मसल हो, कार्डियक हो, या जो भी हैं स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, तो इनके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। ग्लूट फाइव के बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन, कुछ अमाउंट के अंदर किडनी, टेस्टीज,
यहाँ पे इसकी ट्रांसपोर्टर्स की प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो GLUT1 ट्रांसपोर्टर हैं, इनके लोकेशंस के बारे में तो बात कर लिया, अब इनके साथ साथ इनके कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में भी हम बात करते हैं। इनके कुछ यूनिक फीचर्स भी है, ठीक है, इनकी कुछ यूनिकनेस भी है हर ट्रांसपोर्टर की, कुछ ना कुछ। तो ये जो GLUT1 और ये जो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स हैं, इस GLUT2 ट्रांसपोर्टर का यूनिक फीचर ये है, इट हैविंग लो एफिनिटी फॉर ग्लूकोज। सो दिस वॉज एन लो एफिनिटी फॉर ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के लिए इनकी एफिनिटी काफ़ी कम होती है। देन उसके बाद GLUT3 है, GLUT4 है। GLUT4 के बारे में कह सकते हैं कि ये ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। सो दिस वॉज इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। ये क्या है? तो इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, ये इसका यूनिक फीचर है, ठीक है। दूसरा जो GLUT5 है उसके बारे में हम कह सकते हैं, यूनिक फीचर कह सकते हैं कि GLUT5 जो है वो GLUT5 इज स्पेशली फॉर दिस GLUT5। ये किसके लिए स्पेशल है? तो GLUT5 इज इन स्पेशली फॉर फ्रुक्टोज, स्पेशली फॉर डी फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज। ये स्पेशली किसके लिए है? तो डी फॉर्म ऑफ जो फ्रुक्टोज है उसके लिए ये स्पेशल है, ठीक है। राइट, प्रियंका ने बिल्कुल सही कहा, मोनिका का भी सही जवाब है, आरजी सही कह रहे हैं, दीप्ति सही कह रहे हैं, जेनिफर, आरजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो स्पेसिफिकली वो किसके लिए होते हैं? द डी फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हमें लगेगा कि ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर है, लेकिन ये स्पेशली GLUT5 जो है वो फ्रुक्टोज के लिए है, इसकी हायर एफिनिटी फ्रुक्टोज के लिए है कंपेरेटिवली ग्लूकोज। तो ये इनके कुछ यूनिक फीचर्स हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस है वो डिस्कस यहाँ पे किया कि GLUT1 कहाँ है, GLUT2 कहाँ है, GLUT3 की प्रेजेंस कहाँ है, GLUT4, GLUT5, इनके बारे में किया, और हर एक का यूनिक फीचर हमने डिस्कस किया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो भी मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे आप किसी एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रही है, आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका CSIR का एग्जाम पकड़े आप, चाहे आप गेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे आप CSIR नेट को, गेट है, DBT है, ICMR बार, IIT एग्जाम हो, गेट बी हो, किसी भी तरीके की बायोलॉजिकल साइंसेज के एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको 101% इस एग्जाम, ये जो भी है पॉइंट को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है, या सिंपल से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। अब ज़्यादातर लोगों को ये लगेगा कि GLUT5 ट्रांसपोर्टर है तो वो ग्लूकोज का होना चाहिए, लेकिन आपसे पूछ लेंगे कि डी फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज के लिए कौन सा ग्लू ट्रांसपोर्टर काम करता है, आप तो कन्फ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा कि डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के लिए ट्रांसपोर्टर, ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्टर है जो डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के लिए काम करेगा, क्योंकि डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के लिए ट्रांसपोर्टर तो कौन सा है? GLUT5 है, ठीक है। हाँ, ऐसे कोई यूनिक फीचर नहीं है अपना जिसे आप याद रख सकते हो, इसीलिए मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, ठीक है। आप GLUT1 को इतना याद रख सकते हो कि अगर याद ही रखना है आपको तो ये यूबिक्यूटस है। यूबिक्यूटस का मतलब ये होता है कि ये हर जगह होता है, आपके बॉडी के हर सेल के ऊपर GLUT1 ट्रांसपोर्टर, कोई ना कोई तो ट्रांसपोर्टर होगा, और GLUT1 है, यूबिक्यूटस इसलिए है क्योंकि हर जगह होता है, ठीक है। तो कुछ फीचर अगर ध्यान में रखने वाले हो तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताया आप पढ़ना, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर कौन सा है? इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर कौन सा है? GLUT4 है, जो कहाँ पे पाया जाता है? स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। क्लियर यहां तक सभी को? आगे बढ़े हम,
आगे बढ़ा जाए। प्रताप बेटा वो यूबिक्यूटीन होता है, यूबिक्यूटियस का मतलब होता है हर जगह और यूबिक्यूटीन का मतलब होता है प्रोटीन डिग्रेडेशन बेटा, ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत हो प्रथा। चलो ठीक है, योगेश, अश्विनी, रविंदर, सोनाली, जेनिफर, अर्चना, माधुरी, सृष्टि, गायत्री, सुषमा, यूसरा, हिमांशु, कविता, शैलेश, प्राजक्ता, प्रियंका, आरजी। चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारे ग्लू ट्रांसपोर्टर्स के बारे में, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किए हैं? अभी तक हमने ये ट्रांसपोर्टर्स हैं उन ट्रांसपोर्टर्स को डिस्कस किया, वी डिस्कस ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयान चैनल्स के बारे में, ठीक है? ग्लूट थ्री के बारे में अजीत, आप हम पढ़ चुके हैं बेटा कि ग्लूट थ्री क्या है, आप क्वेश्चन आप लिख रहे हो, तो ग्लूट थ्री ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। हाँ हर्ष गैमर, आप जो कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हाँ वो भी होगा। और अजीत का जो सवाल है ग्लूट थ्री, तो ग्लूट थ्री का बेटा क्या है, तो ग्लूट थ्री ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो आगे पढ़ते हैं, अब हम ट्रांसपोर्टर्स को पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स को पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं आयन चैनल के बारे में। ट्रांसपोर्टर के बाद अब हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? आयन चैनल्स, ठीक है? आयन चैनल्स, तो आयन चैनल्स के बारे में भी यूनिक फीचर है कि आयन चैनल्स के अंदर हम बात करते हैं कि इनके अंदर भी, दिस इज ऑल्सो आयन चैनल्स आर, कंपोज ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स। आयन चैनल्स भी हैं जो किससे बने हुए हैं, तो मल्टीपल सब यूनिट्स से बने हुए होते हैं, ठीक है? ये भी हम कह सकते हैं कि आयन चैनल्स आर ऑल्सो आयन स्पेसिफिक। आयन चैनल जो होते हैं वो आयन स्पेसिफिक होते हैं, हर आयन के लिए स्पेसिफिक आयन चैनल प्रेजेंट होगा, ठीक है? तो ये आयन चैनल्स के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। अजीत कुमार, उसका बेटा कोई यूनिक फीचर नहीं है जो मैं आपको बताऊं, अगर होता तो मैं आपको बता ही देता, ठीक है? हाँ मोनिका पुनिया ने बहुत एक बढ़िया जवाब जो भी है एक पॉइंट ढूंढा है यहाँ पे, और मोनिका बिल्कुल सही, मोनिका ने जो भी है बहुत बढ़िया ढूंढा है। एक है साइटो चलाजन, साइटोचेलेजन बी। साइटोचेलेजन जो बी है ये एक फंगल टॉक्सिन है, सो साइटोचेलेजन बी इज वन ऑफ द फंगल टॉक्सिन। और ये जो फंगल टॉक्सिन है, इस फंगल टॉक्सिन के बारे में हम बात करते हैं कि ये ग्लू ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करती है। सो साइटोचेलेजन बी इज एन फंगल टॉक्सिन विच इनहिबिट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। सो ये क्या इनहिबिट करती है? तो ये इनहिबिट करती है ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स को, कि ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करने का काम कौन करता है? तो साइटोचेलेजन जो बी है वो बी ही है जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करने का काम करेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे हैं, हम आयन चैनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए आयन चैनल मल्टीपल सब यूनिट के होते हैं, हर आयन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। अब हम आयन चैनल्स को भी दो हिस्सों के अंदर, दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। आयन चैनल्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं देर इज एन गेटेड आयन चैनल्स, एक होते गेटेड आयन चैनल,
दूसरे होते हैं नॉन गेटेड आयंजन, एक होते गेटेड, दूसरे होते नॉन गेटेड आयन चैनल। नॉन गेटेड आयन चैनल के बारे में हम एक यूनिक फीचर लिख सकते हैं कि नॉन गेटेड आयन चैनल्स दीज आर ऑलवेज ओपन आयन चैनल्स। ये ऐसे चैनल्स हैं जो हमेशा ओपन अप रहते हैं, उन्हें हम नॉन गेटेड कहते हैं। और दूसरे जो भी हैं वो गेटेड आयन चैनल्स हैं। जैसे कि देखो, गेटेड आयन चैनल के बारे में हम ये कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं कि ये जैसे कि कोई ट्रांसपोर्टर है जो आपके सामने है, या जो ट्रांस चैनल है उस चैनल के बारे में हम बात करें। जैसे कि ये आपके पास में एक चैनल है, ठीक। तो ये देखिए, एक चैनल मैंने आपके लिए ड्रॉ किया, और ये जो चैनल है, इस चैनल का ये जो गेट है, ये फिलहाल क्लोज कन्फर्मेशन के अंदर है। सो दिस गेट ऑफ चैनल इज नाउ इन क्लोज कन्फर्मेशन, ठीक है। तो ये चे जो भी है गेट है, वो गेट क्लोज कन्फर्मेशन के अंदर है। हो सकता है कि ये किसी रिस्पॉन्स के अंदर, इसके ऊपर सपोज कोई एक रिस्पॉन्स हुआ, रिस्पॉन्स क्या होगा उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। कोई एक रिस्पॉन्स हुआ, और रिस्पॉन्स होने की वजह से ही ये जो चैनल है, इस चैनल के जो गेट पहले क्लोज कन्फर्मेशन के अंदर थे, ये क्लोज कन्फर्मेशन वाले गेट हो सकता है कि अब ओपन कन्फर्मेशन है, उस ओपन कन्फर्मेशन के अंदर चले जाए। तो रिस्पॉन्स हुआ, क्लोज कन्फर्मेशन के अंदर के गेट ओपन कन्फर्मेशन के अंदर चले गए। जब तक क्लोज कन्फर्मेशन के अंदर थे, तब तक कोई मॉलिक्यूल, जैसे कि सपोज कंसिडर कर ले हम कि सोडियम का ही चैनल है, तो सोडियम अंदर मूवमेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गेट ओपन अप हो गए, सोडियम अंदर की तरफ आना शुरू कर दिया। सो दिस इज अ ओपन कन्फर्मेशन। एक हो गया क्लोज, तो दूसरा हो गया ओपन कन्फर्मेशन। ये जो भी बात है, फिर है नॉन गेटेड वाली, नॉन गेटेड आयन चैनल्स। नॉन गेटेड आयन चैनल्स के अंदर क्या है, देखो कि नॉन गेटेड आयन चैनल्स के अंदर ये कुछ कंडीशन ऐसी है, नॉन गेटेड आयन चैनल्स के अंदर ये कुछ कंडीशन ऐसी है, नॉन गेटेड आयन चैनल्स के अंदर ये ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे कोई गेट ही नहीं है, ये हमेशा ओपन अप है। इसलिए बाहर कोई आयन है, जैसे सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर की तरफ हाई है, तो सोडियम अपनी हाई कंसंट्रेशन से सोडियम अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं, उसे कहेंगे नॉन गेटेड, ठीक। नितिन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गेटेड आयन चैनल के भी दो क्लास हैं, राइट। प्रियंका ने भी सही कहा कि फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो भी है वो आयन चैनल्स का ही है, ठीक है। अब देखिए, आयन चैनल्स की जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। आयन चैनल्स की ट्रांसपोर्ट रेट जो भी होती है वो 10^6 से 10^7 आयंस पर सेकंड है। तो ये क्या है, तो ये है आयन चैनल्स की ट्रांसपोर्ट रेट। सो दिस वाज इन ट्रांसपोर्ट रेट ऑफ आयन चैनल, 10^6 से 10^7 आयन चैनल्स, 10^6 से 10^7 आयंस पर सेकंड के अंदर मूवमेंट करते हैं किससे, तो ये आयन चैनल्स है, ठीक है। ये हो गया गेटेड और नॉन गेटेड के बारे में। अब देखिए, गेटेड आयन चैनल के बारे में मैंने कहा कि गेटेड आयन चैनल किसी रिस्पॉन्स के अंदर ओपन अप हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है, जैसे कि यहाँ पे नितिन ने बिल्कुल सही कहा है कि गेटेड आयन चैनल अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। जो गेटेड आयन चैनल्स है वो गेटेड आयन चैनल्स भी तीन क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किए जा सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे बात करें तो गेटेड आयन चैनल हम अगर बात करें तो ये तीन डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किए जाते हैं, गेटेड आयन चैनल्स तीन डिफरेंट क्लासेस के अंदर अगर बात की जाए तो एक है गेटेड आयन चैनल्स, एक हो गया गेटेड आयन चैनल्स ओपन किस रिस्पॉन्स के अंदर हो रहे, उसके हिसाब से लिगैंड गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, और तीसरा होता है मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल। मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल, तो आयन चैनल के तीन क्लासेस है गेटेड आयन चैनल्स के।
एक होता है लिगैंड, दूसरा होता है वोल्टेज, तीसरा होता है मैकेनिकल। ठीक है, बिल्कुल प्रियंका आप सही कह रहे हैं। ठीक है, हाँ प्रथा होते बेटा वहां पे, नॉन गेटेड भी होते ही हैं। राइट अर्चना सही कह रहे हैं, सिलेक्टिविटी फिल्टर्स होते हैं, लिगैंड गेटेड मैकेनिकल वोल्टेज, बिल्कुल मंजरी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। चलो ठीक है, प्राची ने भी सही कहा कि लिगैंड गेटेड, वोल्टेज गेटेड, मैकेनिकल गेटेड। अब देखिए लिगैंड गेटेड जो आयन चैनल्स हैं इनके बारे में हम कह सकते हैं दे आर ओपन इन रिस्पॉन्स टू, दे आर ओपन इन रिस्पॉन्स टू, दे आर ओपन इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल है ये बाइंड कब होते हैं? सो दे आर बाइंड और दे आर ओपन इन रिस्पॉन्स टू बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मतलब लिगैंड, लिगैंड मॉलिक्यूल की बाइंडिंग की वजह से जो ओपन अप होते हैं उन्हें हम कहते हैं लिगैंड गेटेड। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स इनके बारे में नाम से ही पता चलता है, दे ओपन, सो दे ओपन इन रिस्पॉन्स टू, दे ओपन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, या उसे ही हम कह सकते हैं वोल्टेज। अगर मेम्ब्रेन के ऊपर का पोटेंशियल चेंज हो जाए वोल्टेज चेंज हो जाए, और अगर कोई चैनल ओपन अप हो जाए तो उसे हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड। मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स के बारे में हम कह सकते हैं कि दे ओपन इन रिस्पॉन्स टू, दे ओपन इन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल, मैकेनिकल और फिजिकल, मैकेनिकल और फिजिकल प्रेशर। दे आर ओपन इन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल और फिजिकल प्रेशर, दे आर कॉल्ड एज एन मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स। अब आप लोगों से सवाल पूछूंगा मैं, अब इसके जवाब आप लोगों को देने, क्या आप लोग मुझे लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स की लोकेशन बता सकते हैं क्या, कि लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आप में से कोई मुझे लोकेशन बता सकता है? क्योंकि हो सकता है आपको सवाल पूछा जाए लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग लोकेशंस, तो क्या कहेंगे आप? राइट, रविंदर, सृष्टि, प्रियंका, कोमल, शैली, सरिया, जेनिफर, प्रियंका, आश्विनी, नितिन, बिल्कुल। तो ये न्यूरॉन्स के ऊपर होते हैं, सो दे आर प्रेजेंट ऑन न्यूरॉन्स। लेकिन न्यूरॉन्स के ऊपर कहा तो न्यूरॉन्स के ऊपर एक तो हम बात कर सकते हैं न्यूरॉन्स का सेल बॉडी वाला पोर्शन या डेंड्राइट्स वाला पोर्शन। ये भी वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स भी, इनकी भी लोकेशन न्यूरॉन्स ही हैं, ये भी न्यूरॉन्स के ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन कहा तो न्यूरॉन्स के ऊपर ये पाए जाते हैं, इनकी जो लोकेशन है न्यूरॉन्स के ऊपर पाए जाने की, वो एक तो हम कंसिडर कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि ये न्यूरॉन्स के ऊपर कहाँ पे, तो ये एग्जॉन के ऊपर, न्यूरॉन का जो एग्जॉन होता है उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। तो मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स की लोकेशन हम कह सकते हैं कहीं पे भी हैं, हमारे स्किन के ऊपर भी मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स ओपन होते हैं, हमारा जो ईयर है पूरा ऑडिटरी सिस्टम है, हमें जो सुनाई देता है वो पूरा ऑडिटरी सिस्टम हमारा इन मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ए गेटेड आयन चैनल्स। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्किन हुआ, ईयर हुआ, ठीक है, ये हमारे जो भी है स्किन के ऊपर ज़्यादातर मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स है,
या पूरा जो हमारा ईयर है जिसे हम कहते हैं, पूरा ऑडिटरी सिस्टम है जो हमें सुनाई देता है, वो पूरा ऑडिटरी सिस्टम हमारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो इन मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक, ठीक है, समझ में आया सबके? चलो ठीक है, तो ये आयन चैनल्स को भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो देखिए, आयन चैनल्स भी हमने डिस्कस कर लिए और आयन चैनल्स के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी डिस्कस कर लिए। और आयन चैनल्स और ट्रांसपोर्टर दोनों किसके एग्जाम्पल थे? फैसिलिटेड डिफ्यूजन के एग्जाम्पल थे। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन से पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? सिंपल डिफ्यूजन, मतलब यहाँ पे हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पे हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट को कम्प्लीटली डिस्कस करने के बाद आपके लिए एक सवाल लेके आया हूँ, इस सवाल का जवाब दीजिए आप सब लोग फटाफट। ठीक है, सवाल क्या है? तो सवाल देखिए काफ़ी सिंपल है। जैसे कि सपोज ये मेरे पास में एक मैंने चार एक जो भी है आपके लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया। जब कोई भी ग्राफ होता है तो उसका एक तो कोई ना कोई तो वाई एक्सिस होगा, कोई ना कोई तो एक्स एक्सिस होगा। यहाँ पे भी दो एक्सिस हैं। वाई एक्सिस के ऊपर मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? तो वाई एक्सिस के ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वी ज़ीरो। यहाँ पे मैं वी ज़ीरो को ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब मैं ट्रांसपोर्ट की रेट को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे वी ज़ीरो के ऊपर मैं ट्रांसपोर्ट की जो रेट होती है वो ट्रांसपोर्ट की रेट क्या है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और एक्स एक्सिस के ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेशन को ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस के ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए वी ज़ीरो का मतलब है ट्रांसपोर्ट रेट। तो सपोज ट्रांसपोर्ट रेट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट रेट जो भी हमारी शुरू होगी, क्योंकि जब भी किसी हम ग्राफ को रीड करते हैं तो ये जो भी है ये वैल्यू ज़ीरो होगी, ये जो भी पॉइंट होगा ये ज़ीरो होगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे हम बात करें तो ये 10^2 हम बात कर सकते हैं टू मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट यहाँ पर सेकेंड हो रही है। यहाँ पे सपोज 10^3 मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे 10^4 हो रहा है, और सपोज यहाँ पे 10^5 मॉलिक्यूल्स जो भी है मूवमेंट कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट रेट होगी। ये जो भी है कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन हमने ड्रॉ किया है। अब सपोज कंसंट्रेशन हमने जो ड्रॉ किया है वो कंसंट्रेशन यहाँ पे बात करें कि कंसंट्रेशन किसी मॉलिक्यूल का यहाँ पे 10 कंसंट्रेशन है, किसी मॉलिक्यूल का यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है। मतलब जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और वाई एक्सिस के ऊपर बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट की रेट बढ़ती जा रही है। अब मैं आपके लिए दो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आपको इसमें से मुझे जो भी है ग्राफ है उन ग्राफ के बारे में सही ढंग से जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन देनी है। एक इस तरीके से ग्राफ, एक इस तरीके से जो भी है पिक आ रहा है, एक लाइन इस तरीके से आ रही है और एक जो है वो एक लाइन इस तरीके से आ रही है। एक को हम कह रहे हैं ए तो दूसरे को हम कह रहे हैं बी। एक को कह रहे हैं हम ए तो दूसरे को कह रहे हैं हम बी। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि ए और बी का क्या है। ए का जो मैंने ये आपके लिए लाइन ड्रॉ की है वो ए लाइन किसके लिए है, इनमें से क्या है कि ए क्या होगा और बी क्या होगा? देखिए, एक तो ग्राफ इनमें से एक ग्राफ सिंपल डिफ्यूजन का है तो एक ग्राफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है, ये तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। तो आप मुझे बताना है ए क्या है, सिंपल डिफ्यूजन का है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है, और बी क्या है, सिंपल डिफ्यूजन का है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है? चलो ठीक है, गायत्री ने कह दिया कि सिंपल डिफ्यूजन का ग्राफ ए है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ग्राफ बी है। श्वेता, सृष्टि ने जवाब दिया, कविता ने जवाब दिया, चलो श्वेता ने जवाब दिया है, प्रियंका कह रहे हैं, मंजीरी ने जवाब दिया, उज्मा, अर्चना, राजू, सुप्रिया,
नितिन, प्राची, मधुरा, शैली, कोमल, मंजिरी, यूसरा, अजीत। क्योंकि देखो बी है तो बी यहाँ पे फैसिलिटी डिफ्यूजन का होना ही चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल हाइपरबोलिक ग्राफ दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे वी मैक्स अचीव हो चुका है। और वी मैक्स अचीव हुआ है मतलब 101% वहाँ पे लिमिटेड नंबर्स ऑफ आयन चैनल्स हैं, लिमिटेड नंबर्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट है, इसलिए वो हुआ है। तो ये जो ए ग्राफ है ये किसका होना चाहिए, तो दिस वॉज अ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट की रेट इंक्रीज हो रही है। और ये जो भी बी वाला ग्राफ है इसे हम कह सकते हैं कि ये किसका ग्राफ है, तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन की ग्राफ है, जिसकी रेट 10^4 से 10^7 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड हो सकती है। तो इनकी रेट काफ़ी कम है, 10^0 से 10^2 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड इनकी ट्रांसपोर्ट रेट हो सकती है सिंपल डिफ्यूजन की। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो ये सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। ठीक, क्लियर हुआ ये? ठीक, चलो समझ में आया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपल डिफ्यूजन के साथ साथ हमने पढ़ लिया फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ, अश्विनी आनंद बेटा वो चैनल का भी हो सकता है, वो ट्रांसपोर्टर का भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फैसिलिटी डिफ्यूजन तो दोनों भी है, ट्रांसपोर्टर भी है और चैनल भी है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। और आप सब लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में अब थोड़ी बहुत जानकारी तो रख चुके हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम जो यूनिक फीचर्स हैं वो बात कर चुके हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट्स मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगी। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ये मूवमेंट है, वो मूवमेंट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। सो मूवमेंट ऑफ मूवमेंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इट नीड एनर्जी, इट नीड एन एनर्जी, और एनर्जी कई सारे फॉर्म के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। ईटीपी, लाइट, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, तो ये कई सारे सोर्सेस हैं जो एनर्जी के हैं, जिनसे हम एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में ये भी पढ़ा कि यहाँ पे फ्री एनर्जी चेंज जो भी है वो पॉजिटिव में निकल के आता है, तो रिएक्शन थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल नहीं होती। रिएक्शन थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल नहीं होता एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसलिए हमें कपल्ड रिएक्शन करानी पड़ती है। और कपल्ड रिएक्शन का मतलब है कि फ्री एनर्जी चेंज जो भी है वो क्या आएगा, तो निगेटिव में आता है। और फ्री एनर्जी चेंज जब निगेटिव के अंदर आता है तो ही हमारा कहना है कि ओवरऑल ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज हमें कंसिडर करना होता है। और ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज अगर निगेटिव में आए तो ही रिएक्शन आगे क्या की जाएगी,
फॉरवर्ड की जाएगी तो ही रिएक्शन आगे जो बिहेव किया जाएगा। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात कि हम कह सकते हैं मोमेंट जो भी मॉलिक्यूल्स की होगी ये अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो मोमेंट जो होने वाली है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मोमेंट होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मोमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगी, एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव के अंदर आता है तो इसे हमें निगेटिव में अंदर लाने के लिए कपल्ड रिएक्शंस करानी पड़ती हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड किया जा सकता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कौन से दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है, तो वो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज क्लासिफाइड इन टू टू डिफरेंट टाइप्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज क्लासिफाइड इन टू टू डिफरेंट टाइप्स। वन इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो गया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो भी है दो क्लासेस है। देखिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर यहाँ पे या टोटल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही हम कहते हैं कि एनर्जी की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है तो एनर्जी है, उस एनर्जी का रिक्वायरमेंट है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो इसलिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी कई सारे अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम कहते हैं कि कुछ जो भी हैं पंप्स हैं उन्हें कहते हैं पी टाइप ऑफ पंप, कुछ प्रोटीन्स हैं उन्हें पी टाइप ऑफ पंप से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हम बात कर सकते हैं कि कहीं पे वी टाइप ऑफ पंप भी कहते हैं, पी टाइप ऑफ पंप हो गया, वी टाइप ऑफ पंप हो गया। थर्ड बात की जा सकती है यफ टाइप ऑफ पंप के बारे में, यफ टाइप ऑफ पंप। और फोर्थ हम बात कर सकते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर के बारे में, किसके बारे में, एबीसी ट्रांसपोर्टर। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जो भी है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ये चार डिफरेंट टाइप्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अभी तक हम चैनल ट्रांसपोर्टर कह रहे थे, हम यहाँ पे पंप कह रहे हैं। पंप क्यों कह रहे हैं, एनर्जी लग रही है। हमारे घर के अंदर भी पंप होता है, हमारे घर के नीचे अगर कोई छोटा सा टैंक है तो उस टैंक से अगर ऊपर वाले टैंक में पानी हमें चढ़ाना है तो उसके लिए हमें पंप लगता है, हमें मोटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन प्रोटीन्स को या जिन ट्रांसपोर्टर्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पंप कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद एबीसी का एबीसी ट्रांसपोर्टर्स भी है। तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी दो डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो डिफरेंट क्लासेस है दो, एक है सिंपोर्टर और एक होता है एंटीपोर्टर। एक है सिंपोर्टर तो दूसरा है एंटीपोर्टर। तो एक सिंपोर्टर हो गया और दूसरा जो भी क्लास है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीपोर्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सिंपोर्टर एंटीपोर्टर। अब देखिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही ओवरऑल हमें एनर्जी चाहिए। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी किस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल की जाएगी, मेजोरिटी एटीपी। मेजोरिटी किस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल की जाएगी, एटीपी। या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो के फॉर्म के अंदर इस्तेमाल की जाए,
एटीपी इलेक्ट्रॉन फ्लो या लाइट? एटीपी है इलेक्ट्रॉन का फ्लो है या लाइट है, इस लाइट के फॉर्म के अंदर, एटीपी के फॉर्म के अंदर या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के फॉर्म के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है? एटीपी इलेक्ट्रॉन फ्लो, लाइट के फॉर्म के अंदर एनर्जी इस्तेमाल किया जाएगा। तो सेकेंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी तो एनर्जी लगने वाली है, तो सेकेंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी जो लगने वाली है वो किस फॉर्म के अंदर लगने वाली है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के फॉर्म के अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी लगने वाली है। तो सेकेंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, सेकेंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के फॉर्म के अंदर पड़ेगी, तो सेकेंड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की ज़रूरत एटीपी इलेक्ट्रॉन फ्लो और लाइट के फॉर्म के अंदर पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल सही। अब है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अब हमें डिस्कस करना है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक, हाँ संदीप बिस्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, आप उसका चिंता ना करें। ठीक है, समझ में आया? आप देखिए, इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है पी टाइप ऑफ पंप। ये जो भी है पी टाइप ऑफ पंप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबसे पहले पी टाइप ऑफ पंप को ही डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी टाइप ऑफ पंप के बारे में। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं पी टाइप ऑफ पंप के बारे में। हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी टाइप ऑफ पंप। हाँ बिल्कुल प्राजक्ता, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी टाइप ऑफ पंप। देखिए, पी टाइप ऑफ पंप के कई सारे एग्जांपल्स हैं, जो पी टाइप ऑफ पंप है वो पी टाइप ऑफ पंप के कई सारे एग्जांपल्स हैं। उन एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो पहला ही एग्जांपल आता है पी टाइप ऑफ पंप का, कि सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, ये एक इम्पोर्टेंट पंप आ जाता है जो कि पी टाइप ऑफ पंप का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल है पी टाइप ऑफ पंप का, वो है कैल्शियम पंप। एक और है प्रोटॉन पंप, और एक और है के प्लस एच प्लस पंप। ये जो भी हैं चार एग्जाम्पल्स हैं पी टाइप ऑफ पंप के। तो कैल्शियम पंप हो गया, एच प्लस पंप हो गया, के प्लस एच प्लस पंप हो गया। इनके बारे में हम डिस्कस तो करेंगे ही। कैल्शियम पंप के बारे में बात करें तो इनकी लोकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। इनकी लोकेशन स्मूथ ईआर की मेम्ब्रेन के ऊपर है। एच प्लस पंप की लोकेशन जो होती है, वो एच प्लस पंप कहाँ है? तो एच प्लस पंप हम कह सकते हैं बैक्टीरियल एंड प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया और प्लांट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहाँ पे ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। के प्लस एच प्लस पंप, जो ऑक्सेंटिक सेल्स हैं उन ऑक्सेंटिक सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। ऑक्सेंटिक सेल कहे या पराइटल सेल कहे, जो स्टमक के सेल्स होते हैं वहां पे इनकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इनके बारे में आप अगर लोकेशन भी याद रखते हैं तो भी आपके लिए काफी है। पी टाइप ऑफ पंप के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है, वो सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट पंप जो भी है वो सोडियम पोटेशियम पंप है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है,
सोडियम पोटेशियम पंप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि पूरे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट पंप कहलाया जाएगा. सो दिस वॉज अ सोडियम पोटेशियम पंप. और इसी के ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है. तो सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं. ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इसके बारे में सबसे यूनिक फीचर ये है कि दिस वॉज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है. ठीक है, ये प्लांट और बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होता सोडियम पोटेशियम पंप. इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सोडियम पोटेशियम पंप हम कहते हैं कि ये इज इन वन ऑफ द मेजर इलेक्ट्रो इज इन वन ऑफ द मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप. ये एक मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप है. इलेक्ट्रोजेनिक पंप का मतलब है कि ये एक ऐसा पंप है जो कि इसको ज़रूरत और इसे एनर्जी की ज़रूरत लगती है. इट रिक्वायर्ड एन एनर्जी, और एनर्जी की ज़रूरत जो लगेगी वो एटीपी के फॉर्म के अंदर लगेगी. लेकिन मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप हमने कहा, तो मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप हमने क्यों कहा? तो देखिए, जितना भी हमारे सेल के अंदर एटीपी बनता है, हमारी एक सेल, जैसे कि न्यूरॉन के बारे में मैं बात करूँ, तो न्यूरॉन अगर हमारे बॉडी के अंदर 100 ATPs बनाता है, तो 100 ATP में से 70 ATP सिर्फ और सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप को चलाने के लिए लगती है. तो अगर एक न्यूरॉन 100 ATP बना रहा है, तो उसमें से अगर 70 ATP अगर सोडियम पोटेशियम पंप को चलाने के लिए लग जाए, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि एक मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप है. एक ऐसा पंप है तो मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप है. दूसरी बात इस सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में ये है कि ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है, इट इज एन मल्टी सब यूनिट प्रोटीन. सो दिस वॉज एन मल्टी सब यूनिट प्रोटीन. ये मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम स्पैन करने वाला है, और वो एक से ज़्यादा सब यूनिट से बना हुआ है. जनरली हम इसे कह सकते हैं दिस वॉज एन हेक्सामरिक प्रोटीन. ये जो भी है एक हेक्सामरिक प्रोटीन है. हेक्सामरिक प्रोटीन है मतलब दो सब मतलब 6 सब यूनिट से बना हुआ है. ये जो हेक्सामरिक प्रोटीन है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं दो अल्फा की सब यूनिट है, दो बीटा की सब यूनिट है, और दो गामा की सब यूनिट है. तो दो अल्फा, दो बीटा, दो गामा. तो ये हेक्सामरिक प्रोटीन है जिसके अंदर दो अल्फा की सब यूनिट्स है, दो बीटा की सब यूनिट्स है, और दो गामा की सब यूनिट्स इसके अंदर ये सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, सो दिस इज अ वन ऑफ द हेक्सामरिक प्रोटीन. इट कंटेन्स द टू अल्फा, टू बीटा एंड टू गामा सब यूनिट. ठीक, अगर इस प्रोटीन के बारे में हम पढ़े या इसकी डायग्रामेटिकली अगर बात करें कि ये प्रोटीन कैसा है, किस तरीके से ये काम करता है, तो जैसे कि ये हमारी मेम्ब्रेन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये कुछ इस तरीके से. और ये सबसे पहले अगर हम बात करें, तो ये एक सब यूनिट होगी अल्फा. अल्फा के साथ साथ एक और दूसरी भी सब यूनिट होती है यहाँ पे, ये एक सब यूनिट है बीटा. और एक सब यूनिट है गामा. तो ये इस तरीके का प्रोटीन है. अगर इस प्रोटीन को सही ढंग से देखा जाए, तो इस प्रोटीन के ये जो बीटा सब यूनिट है, इस बीटा सब यूनिट के ऊपर
ये ग्लाइकोसाइलेशन हुआ है, ठीक है, और ये हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेशन वाला पोर्शन है, ये ग्लाइकोसाइलेशन है, वो ग्लाइकोसाइलेशन इनके ऊपर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट है ना, इस अल्फा सब यूनिट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अल्फा सब यूनिट के पास में इस तरीके से तीन कंजर्व्ड डोमेन प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ इस तरीके से तीन कंजर्व डोमेन प्रेजेंट। ये कुछ इस तरीके से तीन छोटी छोटी ये कंजर्व डोमेन जो भी है प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें से देखिए, इसे हम कहते हैं सपोज ये डोमेन वन हो गई, ये डोमेन टू हो गई, ये डोमेन थ्री हो गई। ये जो डोमेन है इसे हम कहते हैं कि ये एक्टिवेशन डोमेन है। ये क्या है? तो एक्टिवेशन डोमेन है, ये हम कह सकते हैं फॉस्फोराइलेशन डोमेन है, ये एक्टिवेशन डोमेन हो गई, ये फॉस्फोराइलेशन डोमेन हो गई, और ये जो भी है ये एटीपी बाइंडिंग डोमेन है। ये कौन सी डोमेन है? तो एटीपी बाइंडिंग डोमेन। ये तीन डोमेन है, कंजर्व डोमेन होती है। जनरली क्या होता है कि जब यहाँ से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एटीपी है, उस एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। एटीपी आता है और एटीपी आके यहाँ पे बाइंड होता है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, और एटीपी का हाइड्रोलिसिस एडीपी के अंदर होता है, मतलब एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आता है और एडीपी के अंदर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस होने की वजह से देखा जाता है कि ये जो फॉस्फोराइलेशन डोमेन है, इस फॉस्फोराइलेशन डोमेन के ऊपर एक अमाइनो एसिड है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है, जिसे सिंगल लेटर कोड डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंगल लेटर कोड डी का मतलब होता है एस्पार्टिक एसिड। सिंगल लेटर कोड डी का मतलब क्या है? एस्पार्टिक एसिड है, ठीक। तो अगर एस्पार्टिक एसिड है तो एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप निकलता है, और एटीपी से निकला हुआ फॉस्फेट ग्रुप इस एस्पार्टिक एसिड के ऊपर आके जुड़ता है। अगर एस्पार्टिक एसिड के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप निकला जुड़ा, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो भी है ऑकर्ड होती है। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या ऑकर्ड होती है? तो देखते हैं कि यहाँ से तीन सोडियम आयन सेल के बाहर चले जाते हैं, तो दो पोटेशियम आयन सेल के अंदर की तरफ आते हैं। तो टू पोटेशियम आयन्स मूव इनसाइड द सेल एंड देयर इज अ थ्री सोडियम आयन्स मूव आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पे तीन सोडियम आयन चले जाएंगे बाहर और दो पोटेशियम आयन आ जाएंगे अंदर की तरफ। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हम किसे पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पी टाइप ऑफ पंप। पी टाइप ऑफ पंप का भी एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप को पी टाइप ऑफ पंप के अंदर क्यों रखा गया है? तो सोडियम पोटेशियम पंप को पी टाइप ऑफ पंप के अंदर इसलिए रखा गया है कि इनके अंदर सभी के अंदर फॉस्फोराइलेशन होता है, और फॉस्फोराइलेशन सेम तरीके का मैकेनिज्म कैरी फॉरवर्ड होता है हर पी टाइप ऑफ पंप के अंदर, चाहे वो कैल्शियम पंप हो, चाहे वो सोडियम सॉरी के प्लस एच प्लस पंप हो, या एच प्लस पंप हो, सबके अंदर वहाँ पे हम देखते हैं कि फॉस्फोराइलेशन होता ही है, और फॉस्फोराइलेशन एस्पार्टिक एसिड के ऊपर ही होता है। इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? पी टाइप ऑफ पंप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। क्लियर हुआ? तो दिस इज अबाउट अ सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हमने डिस्कस है वो डिस्कस किया कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है, बैक्टीरियल प्लांट सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं है। 6 सब यूनिट का प्रोटीन है, 3 सोडियम आयन्स को बाहर भेजता है, 2 पोटेशियम आयन्स को अंदर की तरफ मूवमेंट टू मूवमेंट कराता है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में? क्लियर है सभी को सोडियम पोटेशियम पंप? सबको? प्रियंका का, चलो टेल प्रियंका को क्लियर है, बाकी सब लोग? चलो क्लियर। अश्विनी, जेनिफर, गायत्री, मोनिका, चेतन, सृष्टि, रविंदर, प्राजक्ता, हिमांशु,
क्लियर है सबको? हाँ चलो ठीक है, सोनाली कह रहे थोड़ा सा रिपीट करना है। ठीक है देखो, सोनाली, सोडियम पोटेशियम पंप 6 सबयूनिट का प्रोटीन है, इसके अंदर 2 अल्फा 2 बीटा और 2 गामा सबयूनिट है। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है बेटा, ये बाकी कहीं पे पाया नहीं जाता है। और इस तरीके से इनका मैकेनिज्म है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बीटा सबयूनिट का चेतन, उसके ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन होता है, तो अल्फा सबयूनिट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम है। ठीक है, तो कुछ नहीं बेटा, वो 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेगा, 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ आएगा। हाँ, टेस्ट होगा हमारा मंडे को, टेस्ट बिल्कुल होने वाला है। मंडे को हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद में उसके ऊपर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? चलो ठीक है, अब आप लोगों को आज का जो सेशन है वो कैसा लगा? मैं आपका बहुत शॉर्ट के अंदर, गामा का काम तमन्ना ये है कि वो अल्फा बीटा और गामा तीनों सब यूनिट साथ में काम करते हैं, तो एक दूसरे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम है। ठीक है, रविंदर की एटीपी का फॉस्फोराइलेशन होगा, तो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो एटीपी आएगा, एडीपी के अंदर कन्वर्ट होगा, तो ट्राई फॉस्फेट से डाई फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, तो एक फॉस्फेट ग्रुप एस्पार्टिक एसिड के ऊपर लग जाता है, उसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। उसकी वजह से 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ठीक है, तो आज के क्या लेक्चर्स आपके लिए नॉलेजफुल रहा? आप लोग सब सब जो भी हैं, कैसा रहा आज का आपका सेशन? चलो हाँ संदीप, बिल्कुल सोडियम बाहर ही ज्यादा हो गए। ठीक है, चलो मैं आपके लिए मैं आप लोगों से एक अब जो भी है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हाँ चलो ठीक है, ठीक है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा सब लोगों से, कि आप भी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा वेबसाइट है। वेबसाइट के ऊपर आप देखिए कि क्लासरूम कोचिंग के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं ना, तो क्लासरूम कोचिंग के अंदर ये कई सारे ऑप्शन जो भी हैं हमें यहाँ पे दिखते हैं, नेट लाइफ साइंस, नेट केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस। तो इनमें से मुझे आपके साथ में एक इन्फॉर्मेशन जो शेयर करनी है वो ये है कि ऑफलाइन बैच CSIR नेट लाइफ साइंस के शुरू हो चुका है, मतलब शुरू हो रहा है। 16 अगस्त से ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है पुणे ब्रांच के लिए। तो 16 अगस्त से ऑफलाइन बैच जो भी है CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए, जो एस्पिरेंट्स टारगेट कर रहे हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के अंदर क्वालिफाई करना चाहते हैं, SPM क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनको CSIR नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिनको फेलोशिप लेके PhD करना है, तो उन लोगों के लिए जो CSIR नेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 16 अगस्त से CSIR नेट लाइफ साइंस का पुणे में ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। तो आप सब लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करिए, आप इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में जो भी है शेयर करिए, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ अजीत, हॉस्टल का सुविधा जो भी है आपका इंस्टीट्यूट आपको हेल्प, हमारा इंस्टीट्यूट जो है आपको हेल्प कर देगा हॉस्टल सुविधा के लिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल इसके लिए आप जो भी हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो CSIR नेट लाइफ साइंस का बैच, ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, क्लासरूम कोचिंग शुरू हो रहा है 16 अगस्त से। क्लासरूम कोचिंग के बहुत सारे बेनिफिट ये हैं कि वहाँ पे लगभग 12 आवर्स का टीचर असिस्टेंस मिलता है आपको, कि अगर कोई भी डाउट है तो आप जाके पूछ सकते हैं। 4 to 5 आवर्स की डेली क्लासेस होती हैं, क्लास होने के बाद में लाइब्रेरी की सुविधा आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो क्लास होने के बाद आप वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं आराम से, और हम लोग वहाँ पे टीचर लोग जो भी हैं 12 आवर्स तक अवेलेबल जो भी हैं रहेंगे। तो
आप जो भी हैं जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए। और अगर आपके लिए आपके भी ठीक है, ये देखिए फीस के बारे में मैं बता दूं तो फीस इसका 32,000 एक फीस है और एक 37,000 का फीस है। ठीक है, 32,000 में आपको हमारी तरफ से 3 किताबें मिलती हैं, और अगर 37,000 आप लेना चाहें तो आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तो सुलगना पुणे के लिए हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पुणे ब्रांच के लिए शुरू हो रहा है। तो क्लासरूम कोचिंग है जिसके अंदर देखिए हर रोज आपका 4 to 5 आवर्स की कोचिंग होगी, हर संडे टेस्ट भी होता है, टेस्ट के बाद में वहाँ डिस्कशन भी किया जाएगा और टीचर आपके साथ में दिन भर वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। जो भी कुछ डाउट्स है आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं तो वहाँ पे टीचर से पूछ सकते हैं। क्लासरूम कोचिंग भी है और साथ साथ आपको लाइब्रेरी की भी अवेलेबिलिटी वहाँ पे मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि विकर जो सेक्शंस होंगे उन विकर सेक्शंस के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम वहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आपके दोस्तों के साथ या अगर आप में से भी कोई CSIR एस्पिरेंट्स हैं, CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करिएगा। ऑफलाइन बैच के अंदर हम ही पढ़ाएंगे, मैं आप लोगों को पढ़ाने आ रहा हूँ। ऑफलाइन बैच में हम पढ़ेंगे 16 अगस्त से। ठीक है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करिए। साथ ही साथ मुझे आप लोगों को और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि गेट बायोटेक्नोलॉजी का भी बैच शुरू हो रहा है और गेट बायोटेक्नोलॉजी का बैच 2022 के एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए शुरू हो रहा है 16 अगस्त से, जिसके अंदर देखिए ऑनलाइन बैच है लेकिन जिसकी प्राइस जो भी है सिर्फ 12,499 रुपीज़ होगी। 33% प्राइस के ऊपर आपको ऑफ दिया जा रहा है, जिसके अंदर ऑनलाइन क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, हर लेक्चर के बाद में आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, PYQs हैं, टीचर हैंडआउट है, टेस्ट सीरीज है, ये सब चीज़ें आप लोगों को जो भी है मिलने वाली है। और साथ साथ गेट बायोटेक्नोलॉजी ही हमारी एक न्यू बुक है, ये बुक भी आपको मिलेगा। गेट बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ गेट लाइफ साइंस का भी कोर्स शुरू हो रहा है और गेट लाइफ साइंस का भी 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो जो लोग गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए टारगेटेड करना चाहते हैं वो गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए करें, जो गेट लाइफ साइंस के लिए करना चाहते हैं वो लाइफ साइंस के लिए। उनके लिए देखिए कई सारे कॉम्बिनेशन है, बॉटनी जूलॉजी, बॉटनी बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी माइक्रो बायोलॉजी, जूलॉजी बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री प्लस माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बहुत सारे टारगेट्स हैं आपके लिए, आपके लिए बहुत सारी जो भी हैं यहाँ पे संभावना है अवेलेबल है। इसका भी फीस 11,999 ही है, काफ़ी कम फीस है इसका। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक बुक, इस अगर कोर्स लेते हैं तो बुक जो भी है आपके लिए फ्री होगा। हाँ, माइक्रोबायोलॉजी वाले दे सकते हैं सपना, बिल्कुल दे सकते हैं राजू, बिल्कुल 6 मंथ्स के लिए ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब आज के सेशन के अंदर मैं यहीं पे रुकते हैं हम सब लोग। ठीक है, आप लोगों को बहुत शुक्रिया आप आए और इस इंफॉर्मेशन को जो मैंने आपको बताया इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ही करिए। गायत्री ऑफलाइन और ऑनलाइन से भी आए बेटा, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के रिजल्ट जो भी अलग अलग है। ठीक है, ऑफलाइन से भी आते हैं, ऑनलाइन से भी रिजल्ट आते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जगह से रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के अंदर हम यहीं पे रुकते हैं। मेरे रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि इस इन्फॉर्मेशन को, ऑफलाइन बैच जो शुरू हो रहा है अपना, इस इन्फॉर्मेशन को जरूर सबके साथ में शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए रुकते हैं हम यहाँ पे। थैंक यू।
हूँ।